और ये लीजिए, स्वादिष्ट आटे का चीला बनकर बिल्कुल तैयार है और बहुत ही टेस्टी चीला बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए आटे का चीला बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं आज आटे का चीला बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत झटपट भी बन जाता है। तो आइए देखते हैं आटे का चीला बनाने में हमें किन चीजों की जरूरत है। आटे का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कप गेहूं का आटा लिया है और यहाँ पर मैंने लिए है 2 बॉईल किए हुए आलू जिन्हें मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है, 1 टमाटर इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है जीरा 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच और काली मिर्च का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, नमक 1 चम्मच, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है चाट मसाला। तो आइए आटे का चीला बनाना शुरू करते हैं। आटे का चीला बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बाउल में ये जो गेहूं का आटा है इसे डाल लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। और अब इसमें डालेंगे नमक और ये जीरा, काली मिर्च और ये लाल मिर्च और ये चाट मसाला। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे ये उबला हुआ आलू और ये टमाटर, हरी मिर्च और ये हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। और ये देखिए, चीले के लिए बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है और यहाँ पर मैंने पैन भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब सबसे पहले पैन पर डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल और इसे थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे। और अब इसके बाद इसमें डालेंगे ये जो बैटर हमने तैयार किया है। और इसे धीरे धीरे करके फैला देंगे। और अब इसे 2 मिनट तक धीमी आंच पर सिकने देंगे। और अब हम थोड़ा सा ऊपर से भी ऑयल लगा लेंगे इस तरह से। और अब इसे धीरे धीरे करके पलट लेंगे और इसे और धीमी आंच पर सिकने देंगे। और ये देखिए, चीला बनकर बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से और सभी चीले भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, हमारे स्वादिष्ट आटे के चीले बनकर बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही टेस्टी चीले बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं और बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।